हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी स्टूडेंट ही होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आपके जो एग्ज़ामिनेशन है वो 7 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट जिनको बुक्स अभी तक नहीं मिली है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अपनी फाइनल ईयर की बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, जो कि जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्रोवाइड करा दिया गया है, और उसको आप ज्वाइन भी कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पे वो ग्रुप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर के स्टूडेंट है, चाहे SOL की हो, चाहे NCVAP की हो, चाहे रेगुलर की हो। अब बात कर लेते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मन में एक छोटा सा डाउट यही है कि सर उन्हें एग्जामिनेशन की टाइमिंग का नहीं पता कि BA प्रोग्राम का एग्जामिनेशन कब है, BCOM का कब है, और BA ऑनर्स का कब है। बेसिकली डेट शीट में बता रखा है, फिर भी उन्हें डेट शीट देखना नहीं आ रही और वो समझ नहीं पा रहे। देखिए, डेट का तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि डेट एक ही डेट पे दो एग्जामिनेशन है। ऐसा क्यों है कि कोड का अलग अलग हिसाब है, वो आपको एडमिट कार्ड पे आपको टाइमिंग और डेट बता दी जाएगी, डेट आपको बता दी जाएगी। टाइमिंग क्या है, जो टाइमिंग मैं बता रहा हूँ वही आपके एडमिट कार्ड पे आएगी। जो आपकी टाइमिंग है, जो BA प्रोग्राम की जो टाइमिंग है एग्जामिनेशन की, वो आपकी सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे तक आपकी टाइमिंग रहेगी, यानी 9 से 12 बजे तक आपके BA प्रोग्राम का एग्जामिनेशन होगा। और BCOM प्रोग्राम, जिनका भी BCOM प्रोग्राम की जो स्टूडेंट है फाइनल ईयर के या एक्स स्टूडेंट है, उनका जो एग्जामिनेशन है 3 बजे से शाम 6 बजे तक, यानी दिन के 3 बजे से शाम 6 बजे तक एग्जामिनेशन उनका होगा। और जो BCOM हॉनर्स के जो स्टूडेंट है, उनको देखिए दो डेटों में उन्हें डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि 9 से 12 और 3 से 6। इसमें मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि थर्ड ईयर का जो एग्जामिनेशन है वो 9 से 12, और फर्स्ट और सेकेंड ईयर का जो एग्जामिनेशन 3 से 6। यानी BCOM ऑनर्स के कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनकी बैक है या सेकंड ईयर का वो एग्ज़ाम इस साल देंगे, तो उनकी टाइमिंग में अलग अलग डिफरेंट है, तो वो आप देख लीजिएगा, जैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें आप मिला लीजिएगा। बाकी आप डेट शीट से आप देख सकते हो। बाकी जो BA प्रोग्राम की जो टाइमिंग है, BCOM प्रोग्राम की जो टाइमिंग है, वो फिक्स है, यही आपके एडमिट कार्ड पर टाइमिंग आएगी। बाकी डेट एडमिट कार्ड की, BA ऑनर्स इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों की डेट एक ही है। जितने भी ऑनर्स वाले स्टूडेंट, जो कि काफ़ी कम है SOL के अंदर, 3 बजे से शाम 6 बजे तक है। यानी एक बात मान के चलिए कि BA प्रोग्राम के जितने भी एग्जामिनेशन है वो आपके सुबह ही सुबह कंडक्ट कराए जा रहे हैं, यानी सुबह का लोड सबसे ज़्यादा रहेगा। तो मैं जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो SOL के हैं या NCVAP के या रेगुलर की तो फिर भी हेल्प कर देते हैं, उनके जो रेगुलर के टीचर होते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप कोशिश कीजिएगा कि 5 से 10 मिनट पहले, आधे घंटा पहले ही आप ओपन कर ले उस पोर्टल को, जो पोर्टल बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन जिस पे स्टार्ट होगा। क्योंकि फाइनली जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, जब तक आपका मोड नहीं चुनेगा, जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो आप एक काम कर लीजिए, तब तक आप स्टडी करते रहिए, नहीं है बुक्स तो हमसे ले लीजिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए पिछले साल का, जो कि मैंने प्रोवाइड करा दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर, और बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको डेट समझ में नहीं आ रही, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं इसे ग्रुप पर भी डाल दूंगा। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो मेरे ग्रुप से हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबका काफ़ी तहे दिल से शुक्रिया, जो आप सारे स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं। बाकी करते रहिए आगे भी, क्योंकि आप और हम मिलकर ही कहीं ना कहीं जो फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं, इनके अंदर जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको प्रॉब्लम होती है नोट्स वगैरह को, तो हम उनको आंसर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, कोशिश तो हमारी यही है, बाकी टाइम ही बताएगा। ठीक है, अभी से मैं गारंटी नहीं दे सकता, कल को पता चले दुनिया ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं कुछ कंफर्म नहीं कर रहा, कंफर्म मैं नहीं मानी। अगर 7 जून तक सब कुछ ठीक रहता है, जो हमने सोच रखा है वो ज़रूर सबको प्रोवाइड किया जाएगा। और बाकी आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेंगे, बाकी तो मैं आपकी हेल्प करूँगा ही एग्जामिनेशन के टाइम पर, आंसर भी मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, सब मिलेगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, आई होप मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आपको कुछ और फर्दर इंक्वायरी करनी हो तो आप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आप कमेंट छोड़ देना। एक कई सारे स्टूडेंट कहते हैं आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि कमेंट आपके बहुत होते हैं, मैं ज़्यादातर कमेंट की जो वीडियो में बना देता हूं, और जो मुझे लगता है कि देना ज़रूरी है मैं उनके देता हूं, बाकी कमेंट कर देना, मैं दे दूंगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम से मेरे से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।